विधानसभा बेगूसराय। बिहार का बेगूसराय विधानसभा सीट बेगूसराय लोकसभा के तहत आता है। 1957 में बेगूसराय सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट मेदिनी पासवान ने जीत हासिल की थी। 1962 में सीट से कांग्रेस के टिकट से राम नारायण चौधरी ने विरोधियों को मात दी थी। वहीं 1969 के चुनाव में बेगूसराय से कांग्रेसी कैंडिडेट सरयू प्रसाद सिंह ने आम जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 1972 में बेगूसराय सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में सीपीआई के कैंडिडेट भोला सिंह विरोधियों को मात देकर विधानसभा पहुंच गए थे। 1977, 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर भोला सिंह ने लगातार 3 बार जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 1990 में सीपीएम के कैंडिडेट वासुदेव सिंह ने बेगूसराय सीट से जीत हासिल की थी। 1995 में बेगूसराय विधानसभा चुनाव में सीपीएम कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 2000 और 2005 में भोला सिंह ने बीजेपी की टिकट पर बेगूसराय के चुनाव में लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता ने बेगूसराय में जीत हासिल की थी। 2015 में कांग्रेस कैंडिडेट अमिताभ भूषण ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाते हुए जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से कांग्रेस की टिकट पर अमिताभ भूषण ने जीत हासिल की थी। अमिताभ भूषण ने चुनाव में 83,521 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता को 66,990 वोट मिल पाया था। इस तरह से अमिताभ भूषण ने सुरेंद्र मेहता को 16,261 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीएम के कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद सिंह 5,593 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता ने जीत हासिल की थी। सुरेंद्र मेहता ने 50,602 वोट हासिल किया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट उपेंद्र प्रसाद सिंह ने 30,984 वोट हासिल किया था। इस तरह से बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता ने एलजेपी कैंडिडेट उपेंद्र प्रसाद सिंह को 19,618 वोट से हरा दिया था। वहीं सीपीएम के कैंडिडेट मोहम्मद उस्मान 19,929 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से बीजेपी के कैंडिडेट भोला सिंह ने जीत हासिल की थी। भोला सिंह ने 39,768 वोट हासिल किया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट कमली महतो को 27,733 वोट मिला था। इस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट भोला सिंह ने सीपीआई कैंडिडेट कमली महतो को 12,035 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट उपेंद्र सिंह 19,937 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होगा। साथ ही कई दलों के गठबंधन भी अपनी ताकत दिखाएंगे। ऐसे में जीत उसी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगी जिस पर जनता ज्यादा से ज्यादा भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।